का मौसम हो और बच्चे नाव ना तैराएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों चलो हम ये नाव बनाना सीखते हैं और इस बारिश के मौसम में आप भी अपनी नाव पानी में तैराइए। अगर आपको इस तरीके की बोट बनानी है तो उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर शीट चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगुलर शीट को यहाँ से देखिए, ये लंबी है और यहाँ से ये छोटी है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड इट इन हाफ लाइक दिस। ओके, नाउ फोल्ड इट अगेन इन दिस वे। नाउ ओपन इट। Now you get an imaginary line here. Now you get an imaginary line. Fold your sheet like this. आपको triangle shape में ऐसे fold करना है, because क्योंकि ये दो हैं तो दोनों को एक साथ करके fold करेंगे और यहाँ से भी आप इसको imaginary line तक ही fold करेंगे। अब आप देखेंगे ये it looks like hut. Now अब ये जो आपका नीचे का extra portion है, इसको आप दो पेपर्स हैं, वन पेपर फोल्ड इट एट दिस साइड एंड देन टर्न योर पेपर एंड देन फोल्ड इट एट दिस साइड। नाउ इट लुक्स लाइक अ कैप। अगर आप देखिए, इट लुक्स लाइक अ कैप। नाउ ओपन दिस कैप लाइक दिस एंड देन आप इसको कैप को ओपन कर दीजिए इस तरीके से। ओके, नाउ इट बिकम एन स्क्वायर। Now these are the two papers. Now fold it. One way is this way, and then turn your paper, and then fold in this way. Now again, it looks like a cap. Okay, it becomes a triangle, and it looks like a cap. Now again, you fold it like this. उसको open करना है। आपका ये ऐसे था। इसको ऐसे करके ओपन करना है। नाउ सी, ये आपके दो, दीज आर द टू थिंग्स। आप इसको ऐसे, नाउ यू ओपन इट लाइक दिस, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। नाउ लुक, योर बोट इज रेडी। यू कैन फ्लोट योर बोट इन वाटर ऑल्सो। यू कैन फ्लोट योर बोट इन वाटर ऑल्सो। नाउ इट लुक्स लाइक दिस। So, अगर आप आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।